तेहरान के वलियासर स्क्वायर में इकट्ठा लोग अपने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भारी मन से विदाई दे रहे हैं। और इस बीच ईरान ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना की जांच के औपचारिक आदेश भी दे दिए हैं। जांच के लिए नियुक्त की गई जो टीम है वो हादसे वाली जगह पर पहुंच चुकी है इस समय। और इस बीच अमेरिका और ईरान से किए गए दो सोशल मीडिया पोस्ट ने इसे हत्या की साजिश बताया है। कुल मिलाकर तीन थ्योरी समय सामने आ रही है। इधर भारत में आज ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत पर एक दिन का राष्ट्रीय शोक है। प्रमुख इमारतों पर जो भारत का तिरंगा है, भारतीय ध्वज, वो झुका हुआ है। ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई उसके लिए मौसम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक साजिश का तार सामने आया है और एक के बाद एक तीन थ्योरी सामने आ रही है। इसके मुताबिक इसे हत्या बताया जा रहा है। पहला शक, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खमेनेई के बेटे पर जताया जा रहा है, क्यों वो भी हम आपको बताएंगे। दूसरा शक अमेरिका पर है, जिससे बार बार सवाल किया जा रहा है कि यह हादसा है या फिर कुछ और। हालांकि ईरान के पूर्व विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका इसके लिए जिम्मेदार इसलिए है क्योंकि सैंक्शंस प्रतिबंध अमेरिका ने लगा दिए और ये जो बेल 212 हेलीकॉप्टर है 4 दशक पहले खरीदा गया था, इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, इसकी सर्विसिंग सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। तीसरा शक इजराइल और खुफिया एजेंसी मोसाद पर है। उसने पिछले कई वर्षों में ईरान के न केवल सैन्य कमांडरों की हत्या करवाई बल्कि उनकी परमाणु परियोजनाओं में काम कर रहे कई वैज्ञानिकों की भी हत्या कराने का उन पर आरोप है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस थ्योरी पर जिसके तहत ईरान के सुप्रीम लीडर की कुर्सी हासिल करने के लिए इस लड़ाई का अंजाम इस हेलीकॉप्टर क्रैश को बताया जा रहा है। लेकिन क्या यह सच है? इस लड़ाई में राष्ट्रपति रईसी की मौत का फायदा आखिर किसको हो सकता है? देखिए यह रिपोर्ट। हादसे के कई घंटे बाद रेस्क्यू टीम जब अपने राष्ट्रपति की तलाश करते हुए मलबे तक पहुंची तो उसकी चीख निकल गई। रईसी समेत हेलीकॉप्टर में बैठे सभी 9 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। तेहरान समेत पूरे ईरान में शोक का आलम है। लेकिन इस शोक के बीच साजिश की थ्योरी ने दुनिया को हिला कर रख दिया। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक सामने आए दो पोस्ट ने धमाकेदार दावा किया है। पहला पोस्ट ईरान के पत्रकार मसीह अली नेजाद का है, जो लिखती है, साजिश की बात करने वाले पूछ रहे हैं कि क्या खामेनी के बेटे मोसबा का इस हादसे में हाथ हो सकता है ताकि वो अपने पिता की जगह लेने का रास्ता साफ कर सके। ईरान के सुप्रीम लीडर 85 साल के आयतुल्ला खामेनी उम्रदराज हो चुके हैं, कैंसर से जूझ रहे हैं। रईसी को उनके उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जा रहा था। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी IRGC की पहली पसंद रईसी ही थे, लेकिन अब ईरान के सर्वोच्च नेता के पद के लिए खामेनी के बेटे मोसबा का दावा मजबूत होता दिख रहा है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि काफिले में 3 में से सिर्फ रईसी के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना संयोग था या सत्ता संघर्ष का नतीजा था। 54 साल के मोसबा खामेनी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी के दूसरे बेटे हैं। उन पर पर्दे के पीछे से सुप्रीम लीडर का दफ्तर चलाने के आरोप लगते हैं। खामेनेई के आसपास वाले कट्टरपंथियों के बीच मोसबा खामेनेई की अच्छी पकड़ है। 2005 से 2009 के चुनाव में धांधली के बीच मोसबा को ईरान के लोगों ने खूब कोसा था। ये भी कहा था कि तुम्हारी मौत हो जाएगी लेकिन तुम कभी सुप्रीम लीडर नहीं बन पाओगे। इन सब के बीच हादसे में मोसबा का हाथ होने का दूसरा धमाका अमेरिकी विदेश विभाग के पूर्व सलाहकार गैब्रियल नोरोन्हा के इस पोस्ट के जरिए हुआ। वो लिखते हैं, अब रईसी की मौत हो गई तो मुख्य बात ये नहीं कि उनके राष्ट्रपति के रूप में उत्तराधिकारी कौन होगा, बड़ी बात यह है कि अगला सुप्रीम लीडर शायद अली खामेनेई का बेटा
मुस्तफा खामेनेई होगा। अंदरूनी जानकारों का मानना है कि खामेनेई के बाद सुप्रीम लीडर बनने की होड़ मुस्तफा और रईसी के बीच चल रही थी। जब रईसी की मौत हो गई है तो मुस्तफा उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो क्या घरेलू कलह रईसी की मौत की वजह बन गई या फिर अमेरिका के इशारे पर सच को छिपाने और भटकाने की चाल चली जा रही? फिलहाल ईरान की सेना ने हादसे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यहां भी है कि जांच में अगर मुस्तफा की भूमिका सामने आई तो क्या कोई सुप्रीम लीडर के बेटे पर हाथ डाल सकता है? आज तक भी हुआ।